मेरी स्कूलिंग मैं दिल्ली में ही पढ़ी हूँ, तो फिफ्थ क्लास तक कैम्ब्रिज प्राइमरी स्कूल था, फिर सरदार पटेल विद्यालय से मैंने अपनी बारहवीं की, उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद जेएनयू में मैंने एमए हिस्ट्री में दाखिला लिया था पर वो कंप्लीट नहीं कर पाई, जामिया से आरसीए में मैंने गाइडेंस के लिए यूपीएससी के लिए बोलिया, अभी मैं इनफैक्ट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपना एमए सोशियोलॉजी भी कर रही थी पर शायद वो बीच में रुक जाएगा। आपका दूसरा अटेम्प्ट था? हाँ जी। तो पहले अटेम्प्ट में कुछ कमी है? वो फॉर्म में कुछ इशू हो गया था कि हिंदी का मतलब मेरा मीडियम इंग्लिश होना था पर वो हिंदी हो गया था किसी तरह से टेक्निकल या जो कुछ भी, तो जिस वजह से मुझे अपने मेंस एग्जामिनेशन हिंदी में लिखने पड़े थे, तो उसकी वजह से मैं मेरा इंटरव्यू रह गया था एक नंबर से। टॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पिरेंट्स हैं जो आने वाले इस वक्त में एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, घंटे कितने इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंट है? घंटे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, घंटे काउंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन घंटे पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटी ऑफ पढ़ाई कितनी है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने लिए स्ट्रेटजी बनाकर सोर्सेज लिमिटेड करके पढ़ाई करनी चाहिए। बुक्स के अलावा कुछ सहारा? मैं अपनी खुद की नोट्स और अखबार और प्रैक्टिस आंसर राइटिंग को मुझे हेल्प किया।